फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, ये हमारा सास बहू का पहला वीडियो है। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप आगे जरूर 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 लाइक करिए। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं रोज तुम सब तो चिल्ला चिल्ला के कहूँ कि 11 बजे ट्यूशन में आ जाए करो, लेकिन 12 बजने को हो रहे हैं, अभी भी पूरे बालक ना आए, कैसे तुम सब अलग अलग पढ़ाई करूं? इतनी तो फीस भी ना देते तुम वो। तो मैडम जी चिल्ला चिल्ला क्यों कहो, आराम से कह ले करो, जिसे टाइम पान होगा अपने आप आ जाएगा। अरे ओ आराम के फूफा, चुप बैठ जा, नहीं तो एक क्वेश्चन पूछ लूंगी ना, गैल पेट में दर्द हो जाएगा तेरे। और तुम दोनों 3 दिन से कैसे ट्यूशन ना आ रहे हैं? तुम कहां सोच रहे हो, तुम ट्यूशन ना आओगे तो मैं फीस ना लूंगी? बेटा कितने ही नागा कर लो, फीस मुझे पूरी चाहिए, पूरी, समझे? मैडम जी तुम्हारी फीस लेके ना बग रहे हम, हमारे गेहूं की कटाई चल रही है, पापा ने हो लगा रखा है वो काम पे। और वैसे ही मैडम जी पढ़ाई लिखाई के अलावा बतेरे काम है हमें। अरे ओ कमेरे की पूछ, डट जा, हमारे भी 5 बीघा गेहूं खड़े, उनका भी ठेका ले ले जाके, पता ना कैसे बालक है। मैडम जी मृदुल के पापा आ गए। पता ना पढ़ने लिखने में ध्यान ही ना तेरा। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते जी, आप ही मृदुल के पापा हो? ना मैं तो याकी मम्मी हूँ। कहा समझ ना आई मेरा। वैसे तो मैडम बन गई, मैं आदमी और बीरवानी के लगता ना फर्क ना दिखता। अजी मैं तो नुई पूछ रही। चलो छोड़ो, तुमने कुछ धर रखा हो मेरे मारे, जो तुम रोज के रोज बुलाती रहो। क्या धर रखा हो मतलब? यू मोसू रोज घर जाकर नू कहते रहे मैडम जी बुला रही है, मैडम जी बुला रही है, कहा धर रखा है ऐसे खाने का मारे, ऐसे मो काजू कतली बढ़िया लगे। अरे कोई मेला घूमने को ना बुलाया मैंने, या की 6 महीना की फीस जमाना है, वहाँ जमा करने को बुलाया है। 6 महीना की फीस? वैसे मैडम जी क्या पैसा होगा तुम्हारे? 300 रुपया के हिसाब से लगा लो, 6 महीना के 6×3 1800 के करीब हो गए। 1800 रुपया? 1800 रुपया खर्च करवा दी तेने, और 18 रुपया की बुद्धि ना। मैडम जी कुछ पढ़ाती क्यों ना हो यार तुम? नहीं मैं तो सारे बालकन ने पूरे मनसु पढ़ाऊं, अब ये पढ़े ना पढ़े इनकी मर्जी, वो तो मेरी फीस चाहिए। मैडम जी फीस तो पूरी दे दूंगा मैं आकी, पहले मैं तुम्हारे एक टेस्ट लेऊंगा। और आप बाबा जी बहुत बढ़िया, मैडम रोज मेरा टेस्ट लेवे, ले लो ले लो। मतलब अब तुम मेरा टेस्ट लेओगे? ना मैडम ना, बस छोटा सा एक काम है, फटाफट एक 2 का पहाड़ा सुना दो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। बस 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 अब फटाफट तू 2 का पहाड़ा सुना। पापा जी मोस का एक सुन रहे हो? सुनाया गया जूता खाएगा अभी। सुना तो दूंगा पर मुँह पे हिंदी में आवे तो हिंदी में सुना दे बेटा। 2 1 2, 2 2 4। आगे तो सुना। 2 1 2, 2 2 4। आगे तो सुना। पापा जी 2 1 2, 2 2 4। देख ले मैडम जी यहाँ पे 2 का पहाड़ा भी ना आता, क्या पढ़ाया तुमने यहाँ? जब यू पढ़ता ही ना है तो यहाँ मेरी कहा गलती है, मैं तो पढ़ा पढ़ा के झिक गई। यही बात तो कह रहा हूँ मैडम जी, जब यू पढ़ता ही ना तो फीस का ये बात की। चुप हो जाओ वरना सबके दांत अन्ने बाहर कर दूंगी मैं, बता रही हूँ। मैडम जी इन बार करने मत मारो, और वैसे भी जब यहाँ 2 का पहाड़ा याद हो जाएगा ना, जब भी फीस दूंगा। चल रे इट पे बैठ जाके। अच्छा वो पे 2 का पहाड़ा ना आता ना तो मैडम 1800 रुपए देने पड़ जाते। बाप बेटा सब एक जैसे ही है, दिमाग खपा लो बस। नमस्ते मैडम जी। अरे तू ये टाई क्यों लटकाए डोल रहा है, जहाँ पैर के आनी चाहिए वहाँ तो कदी ना पहरी तूने, अब ट्यूशन में तू टाई पहर के आ रहा है। मैडम जी मेरी मम्मी नु कह रही बालक टाई बेल्ट लगा के कतई पढ़े लिखे ऑफिसर से लगे हैं, या मारे मैंने टाई लगा ली। ऑफिसर? लेकिन तू तो ना है पढ़ा लिखा। तो मैडम जी होने या ना होने चुका है, लगे तो है ना, और वैसे तुम्हारी मम्मी भी नहीं कह रही। अच्छा मतलब तुम्हारी गलती ना है, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही ऐसा है तुम्हारे जैसा। मैडम जी खानदान मत कहती हो कुछ भी, तुम्हें पता मेरे बाबा कौन है? कौन है? सरकारी बस के कंडक्टर है। तेरे बाबा कम से कम कंडक्टर तो बन गए, तू तो पूरा जनरेटर हो रहा है, फटफट करता डोली जा हर जगह। बस 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 दांतन ने मतना फाड़ो, अपनी अपनी कॉपी किताब निकालो। अब नू मतना कह दियो कॉपी ना लाए। और तू तू कैसा बैठा है? मैडम जी लाना ही भूल गया मैं तो कॉपी। रे तुम बालक हो या बवंडर हो, जब तुम पे किसी पे कॉपी ना है तो करने कहाँ आए हो यहाँ? मैडम जी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अरे नालायक को कुछ तो शर्म कर लो, वह T2 मास्टर के बालक आगे निकल जाएंगे और तुम सबके सब फेल हो जाओगे, मेरी नाके कटवा दो। मैडम जी फेल ही होंगे हम, और वैसे भी मैडम जी इतनी मोटी किताब पढ़ी जा रही है हम पे, ईटा जीटा अल्फा बीटा भरा पड़ा है हमें, और यहाँ नाम के तो सेक्टर है हमारे यहाँ। और वैसे भी मैडम तुम पे नौरी T2 मास्टर की ओड़, उनके ट्यूशन में 101 जोर की लौंडिया आवे। लौंडिया आवे मतलब 101 बढ़िया लौंडा लौंडिया सब बढ़िया पढ़े लिखे आवे, उनके ट्यूशन में पढ़ाई ज्यादा हो गए है ना हमारे। तो तुम भी लाओ ना अपने ट्यूशन में नए नए बालक। देखो जो भी बालक अपनी गैल एक और बालक लेके आएगा ना, मैं उसकी फीस मैं 25 रुपए माफ कर दूंगी, और उसे 300 रुपए की जगह 275 फीस देनी पड़ेगी। और अगर 2 बालक लेके आओगे तो 50 रुपए माफ हो जाएंगे, फिर 250 देने पड़ेंगे, है ना बढ़िया ऑफर।
मैडम जी अब तो मैं इतने बाल लाऊंगा मेरी पूरी फीस माफ हो जाएगी। और मैं तो इतने लाऊंगा तुम वो उल्टी फीस दोगी। या मामले में गणित बहुत तेज है तेरा। चलो बहुत होगी अब फालतू की बातें, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो कल मैंने तुम्हें याद करने को दिया, मृदुल तू बता बाबर कौन था? मैडम जी बाबर था नहीं, बाबर है हमारे गांव का नाई, बहुत जोर के बाल काटा है वो, कटोरा कटिंग और तेरे नाम की वही फेवरेट कटिंग है। मैडम जी मेरी कटिंग भी वही ना करी। अरे ओ बेवकूफो, मैं बाबर की बात ना कर रही, बाबर की बात कर रही हूँ। क्या जानो तुम बाबर के बारे में? ए मैडम जी ये आवर बाबर मेरे कोई भूपा तो लगते ना, जिनके बारे में याद रखूंगा मैं। तेरा फूफा तो ना, लेकिन वो अपने जमाने का नवाब। अजी मैडम नवाब होएगा अपने घर का, हमारे गांव में जल्दी किसी की नवाबी बताइए नितिन। मैडम जी सही कह रहा हूँ, हमारे गांव में बार बार दोनों एक लेन से बाल काट रहे, हमारे गांव में किसी का नंबर ना काट सका बालन पे, कितने बड़े नवाब सही। अरे यू गवारन की फौज मेरे ट्यूशन में आनी ही। अब एक और सवाल पूछूंगी, अगर वो सही ना बताया तो कल से ट्यूशन मत आइयो। नितिन तू बता। मैडम जी पक्का बता दूंगा, बस क्वेश्चन बढ़िया से पूछियो। मोहन कल यहाँ आ रहा है, इसे इंग्लिश में बताओ। मैडम जी बस ये बात गलत लगे है तुम्हारी, मोहन की बुलाया तुमने यहाँ, तुम्हें पता ना मेरी लड़ाई चल रही है वासु। इंग्लिश में बता, इंग्लिश में। इंग्लिश छोड़ो मैडम जी, आज तो यहाँ मैं हिंदी में बता दूंगा, अजान दो तुम यार। भाई हम भी तेरी क्या हाल है, मेरे भी कंचा चुरा लिए माने। मैं तो वहाँ फांसी टांग दूंगा, मैं ही मारूंगा सब। भाई तू क्यों मारेगा वहाँ? भाई मेरा ही मन कर रहा है मारने का। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे मान जाओ प्रभु, मान जाओ, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ मैडम जी, कुछ गलती होगी हमसे? तुमसे क्यों होगी गलती? गलती तो मुझ पे हुई है कि मैं मैडम बन गई। हाँ जी मैडम, ये तुम्हारी अपनी गलती है, यह हमारा कोई हाथ ना है ना भाई। सही बात, सही बात है भाई, सही। बस बस बहुत हो लिया, चल प्रशांत अब तू बता। ए, मैडम जी अब तुम भी कुछ पूछोगी? ये देखो तुम्हारे बारे में कहा लाया हूँ चाय या की बनी तुम कड़ी, और यू लाया हूँ मैं आमी या की बनी तुम चटनी, मजा ही आ जाएगा। बेटा तू पास है, सीख लो या तू कुछ। अरे तू बता तू कहा लाया बाकू? अपनी कॉपी लायो, खाने को लंच लायो। अब एक काम कर, हूँ करता हुआ जाके मेरे रेंज रोवर साफ कर, चल। और सुन ये कपड़ा तले के जा, कैसे चाट के साफ करेगा। मैडम जी जब तक ये सफाई कर रहा हो हम दोनों मैं गो टू टॉयलेट होया मैं। ठीक है चला जा। आ चल नितिन भाई। इसे कहाँ लेके जा रहा है? मैडम जी टॉयलेट करना है। तो कैसे गैली जाओगे? तो मैडम जी पानी भी तो गैली पिया। अरे प्रशांत तू अकेला बैठा यहाँ कहाँ करेगा? एक काम कर, छत पे मेरे कपड़ा सूख रहे हैं, उन्हें उठा ला जाके। खून पी लिए। भाई यार इतना मजा तो काई चीज में ना आता जितना तेरी गल मुतने में आवे। भाई मूतने की बात तो ठीक है, लेकिन यार मेरे घर पहचान की बहुत दिक्कत चल रही है। भाई यार तू पहचान की दिक्कत मतलब बिल्कुल भी, मेरे दोस्त में एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग शॉर्ट वीडियो ऐप है, वका नाम है VMATE, वीमेट ऐप। अच्छा भाई। हाँ जहाँ मैं कॉमेडियन भारती सिंह दे रही है 70 लाख वीमेट क्रिएटर को 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक। पर भाई 70 लाख? हाँ भाई। भाई मैं बताया थोड़ा तो कुछ ना करना, बस अपनी वीडियो बनानी है और फिर भारती सिंह तेरी वीडियो देखेंगी और तो इनाम देंगी, यू नो अपना राहुल। हाँ। वाने जीते 5 लाख। चल भाई बढ़िया, अब पैसा को जुगाड़ तो हो जा करेगा। हाँ और क्या, जाके डाउनलोड कर वीमेट ऐप और झिक के पैसा कमा, दोस्त ने रोज कोल्ड ड्रिंक पीवा, चल रहे आज क्लास में। हाँ भाई तो मैंने कर दी गाड़ी सफा, और तू कपड़ा उठा लाया, फिर ये दोनों कहाँ रह गए? देख कहाँ उलझ जाओ तुम बीच में। अरे मैडम जी पानी पीने भी चले गए। तो इतना टाइम कहाँ लगा दिया? मैडम जी पानी पीने में टाइम ना लगा, यूनू कह रहा मैं वाटर पीना, फिर मैं आपको वाटर ढूंढ के लाया। तुम बस यह पानी वाटर सर्वत सिकंजी में ही लगे रही हो, देखियो टाइम हो लिया पूरा। तो अब क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ अपने घर, कल को आइयो टाइम पे। चलो भाई चलो। वैसे मैडम जी एक बात बता दूं मैं तुम्हें, कल सुबह T2 मास्टर के दौर जाऊंगा ट्यूशन पढ़ने। अच्छा ठीक है चले जाओ ट्यूशन पढ़ने, क्लास टीचर तो मैं ही हूँ, फेल कर दूंगी मैं सबे। अरे पता ना यार तुम लोग ट्यूशन पढ़ के का उखाड़ लोगे, इतने दिन हो गए ट्यूशन आते आते, कहिए ABCD पे आवे। हां भाई मो पे आवे। सुनिए 1 2 3 4 5 ये होती है ABCD, मो पे आवे। हां भाई आती है। सुनिए बताओ भाई कौन सी वाली? भाई मो लगे अब कई तरह की ABCD आती दिखे। मो भी डर लग रहा हूं भाई, पर पूछ के देख ले रहा हूं। चल चल मैथ वाली सुना भाई, आज याद नहीं कल सुना दूंगा।
मैं पता सबकी कौन कितना बड़ा पढ़ेला अब ट्यूशन तो टीटू मास्टर पे लगाएगा। हाँ भाई मैं भी वही लगाऊंगा, मेरी सेटिंग भी भाई ट्यूशन में पढ़े। भाई जहाँ तुम जाओगे मैं भी चलूंगा। और तू? ना भाई मैं जाऊँ। क्यों भाई तू क्यों जाएगा? भाई मैडम फेल कर देगी और मैं फेल होगा ना मेरे बाप जॉन्स मार देगा। अगर हमारी गेल लोग है ना तो हम तो जॉन्स मार देंगे। अब सोच ले बेटा तुझे क्या करना हो। ना भाई मैं ना जाऊँ कतई भी कर दे। कौन फैलो मेरा